मंच सज चुके हैं, दीवारों पर पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं, जय घोष के नारे भी लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। और लगे क्यों ना, क्योंकि वायनाड से जो उतर रही हैं प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनावी मैदान में उतरने के बाद खुद प्रियंका गांधी एक्टिव हैं। और प्रियंका गांधी एक भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती जो उनकी नज़रों से निकल जाए। वायनाड में होने वाले चुनाव से पहले प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी को घेर रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS की परीक्षा स्थगित कर दी। इसको लेकर राजनीति भी तेज होने लगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी की BJP सरकार पर हमला करते हुए कहा कि योगी सरकार युवाओं के भविष्य को चौपट करना चाहती है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, यूपी PCS की प्रीलिम्स परीक्षा दूसरी बार स्थगित कर दी गई। यूपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज 2021 की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया। बार बार परीक्षाएं स्थगित करना, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के जरिए युवाओं का भविष्य बर्बाद करना भाजपा सरकार की नीति बन चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी BJP पर हमला किया। उन्होंने कहा, प्रतियोगी छात्र यूपी PCS की परीक्षा 2 दिन में कराने के प्रस्ताव का भी विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क जायज़ है कि एक ही परीक्षा 2 दिन में होगी तो नॉर्मलाइजेशन की आड़ में स्केलिंग जैसा फिर खेल होगा। भाजपा एक तरफ तो युवाओं का भविष्य चौपट कर रही है, दूसरी तरफ नौकरियां देकर पिछड़ों, दलितों और वंचितों का आरक्षण का अधिकार भी खत्म कर रही है। यूपी PCS की प्रीलिम्स परीक्षा दूसरी बार स्थगित कर दी गई। यूपी टेक्निकल की परीक्षा को भी स्थगित की बात करें तो इस पर भी फैसला है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रांतीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। इस साल यह दूसरी बार है जब परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब उम्मीद है कि परीक्षा दिसंबर के मध्य में आयोजित की जाएगी। यूपी PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा मूल रूप से 17 मार्च को होनी थी। पेपर लीक होने की अटकलों के चलते इसे पुनर्निर्धारित किया गया था। इसके बाद इसे 27 अक्टूबर को आयोजित किया जाना था, जिसे अब फिर से स्थगित कर दिया गया।